वेलकम टू माय चैनल मस्त एकेडमी, दिस इज हिमांशु। आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं कुछ और फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसीज के बारे में। और जैसे कि आप जानते हैं, फार्मा रिगार्डिंग जितनी भी आपकी नोटिफिकेशन अपडेट आती है, सारी वैकेंसी की अपडेट मिलती है आपको हमारे चैनल अमर सायर एकेडमी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं, देखिए, माझेगांव डॉग शेप बिल्डर लिमिटेड, यहाँ पे वैकेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है। बेसिकली यहाँ पे वैकेंसी है, काफी सारी नॉन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ऑफिशियल वेबसाइट को देख के आपको लग रहा होगा कि ये शिपयार्ड जो बिल्डर ये कंपनी है, ये किस लेवल पे काम कर रही है ना। तो यहाँ पे हम जैसे ही इसके करियर पे जाएंगे तो करियर पे नॉन एग्जीक्यूटिव पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुला हुआ नजर आएगा। 9/9/2022 का ये नोटिफिकेशन है। जैसे इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके रिगार्डिंग जो डिटेल नोटिफिकेशन है, जिसमें कि काफ़ी सारी वैकेंसीज है, उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन नजर आएगा। ठीक है जी, तो बेसिकली यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, माझेगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड यहाँ पे वैकेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है जो कि कहाँ है, मुंबई में। ठीक है जी, अब बेसिकली ये वैकेंसी जो है वो काफ़ी सारी पोस्टों पर आई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी ड्राइवर है ना, इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे हम बात करते हैं हमेशा फार्मासिस्ट की वैकेंसी। तो नंबर 27 पे आप देख पा रहे हैं फार्मासिस्ट की भी इसमें वैकेंसी है ना, नर्सिंग की काफ़ी सारी वैकेंसी है जिसमें फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी है। तो बेसिकली ये वैकेंसी जो है वो एक ही वैकेंसी है यहाँ पे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में जैसे MBBS स्टाफ की वो एक एक ही वैकेंसी रहती है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ऑनलाइन जो है इसका एप्लीकेशन 22 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो है इसका एप्लीकेशन ओपन रहने वाला है। अब बात आती है, सर इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कैसे अप्लाई करना है, और इसके बाद अब बात आती है, सर इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो टोटल पोस्ट जो ये 1041 है, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो क्या रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया 27 नंबर पे इसकी एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो देख पा रहे हैं आप, देखिए यहाँ पे ये बेसिकली मस्ट है पास SSC HSC विथ फुल टाइम DPharm/BPharm फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ डिस्पेंसरी मेडिसिन फॉर मिनिमम ऑफ 1 ईयर, है ना। आप BPharm पास आउट है, आप BPharm पास आउट है एंड आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस जो है आपको मांग रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देखेंगे, स्किल ग्रेड 1, यहाँ पे DI-5 का जो है लेवल आपका सैलरी पे रहने वाला है। तो इसके बारे में भी डिटेल में यहाँ पे दे रखा है किस हिसाब से आपका सैलरी पे रहेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये किस हिसाब से था, तो लेवल 5 का आपको देख रहा है 64360 जो पे स्किल आपका रहने वाला है। एज लिमिट जो है वो आपकी 18 से लेकर 38 साल तक है, कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद में बात आती है, ये बेसिकली वैकेंसी जो है स्टार्टिंग में शुरुआत के 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे है, उसके बाद फर्दर 1 साल और फिर फर्दर 1 साल के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट बात आती है सर ये सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस तो आप देख पा रहे हैं, देखिए रिटर्न टेस्ट होगा इसका, है ना। बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं, जैसे एग्जामिनेशन रिटर्न टेस्ट होता है, वैसा रिटर्न टेस्ट होगा जिसमें कि आपका रिटर्न टेस्ट, आपका स्किल टेस्ट, मतलब कि यहाँ पे आपके फार्मा रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आएंगे, उस हिसाब से आपका यहाँ पे मार्किंग रहेगा। अब बात आती है सर यहाँ पे बेसिकली क्या आपका सिलेबस रहने वाला है किस हिसाब से, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जान देते हैं सर अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑफिशियल लिंक दे रखी है, इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे या फिर गूगल पे खोलेंगे तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है, पहले आपको लॉगिन करना है, नॉन एग्जीक्यूटिव में जाना है, उसके बाद में आपको कैंडिडेट लॉगिन में जाना है, पासवर्ड रजिस्ट्रेशन सारा सब कुछ बना के यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है जी, अब जैसे उनके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट जो है वो भी कर लेना है, सारा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सर लास्ट में ये जो वैकेंसी है इसके रिगार्डिंग, यहाँ पे टोटली जो है 12 सितंबर को आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 30 सितंबर 2022 लास्ट है ये, यहाँ पे आप इसका प्रॉपर वे में देख सकते हैं। अब बात आती है सर इसका सिलेबस क्या रहेगा एग्जामिनेशन को, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग डिस्पेंसिंग मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्राइंडिकेशन ड्रग, हाइपर सेंसिटिविटी और डोजेज फॉर्म, ये सारा इसका बेसिकली आपका सिलेबस रहने वाला है। बाकी कैसे भुगतान करना है आपको बताई है, ऑनलाइन फॉर्म आपने भरे हैं, इस हिसाब से ये पूरा नोटिफिकेशन जो है वो आप अच्छे से चेक कर पा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल देखें तो वैकेंसी तो खूब सारी है, बट फार्मासिस्ट की इसमें एक ही वैकेंसी है,
बट जितनी भी वैकेंसी है बेसिकली अपडेट तो बनता है, ठीक है जी। तो सर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं या अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि एक अच्छा सैलरी ग्रेड पे है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे इन्फॉर्मेटिव फार्मास्यूटिकल डेट न्यूज़ अपडेट वैकेंसी अपडेट वीडियो लेक्चर्स के लिए। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।